actually is to make Ukraine and India closer to each other. दोस्तों फाइनली यूक्रेन की विदेश मंत्री ने यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए हिंदू फोबिक ट्वीट पर माफी मांग ली है, जिसमें मां काली को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था। यूक्रेनियन विदेश मंत्री एमिने डेजापारोवा ने ट्वीट किया है, हम खेद व्यक्त करते हैं कि हमारे रक्षा मंत्रालय ने हिंदुओं की देवी मां काली को विकृत रूप में दिखाया। यूक्रेन और इसके लोग भारत के यूनिक कल्चर का सम्मान करते हैं और भारत के सपोर्ट का अभिवादन करते हैं। चित्र पहले ही डिलीट किया जा चुका है। यूक्रेन भारत के साथ साझा सहयोग पहले ही तय कर चुका है। दोस्तों दो दिन से भारत में इंटरनेट पर काफ़ी बवाल हो रहा था और यूक्रेन के खिलाफ काफ़ी बातें लिखी जा रही थी। लगे हाथ इस मुद्दे को रशिया की मीडिया ने भी लपक लिया, सुनिए। New Delhi says it was a national insult for Kyiv's defense ministry to depict the Hindu goddess Kali rising from a fire that erupted during a Ukrainian drone attack on Crimea. Here's what the official from the information ministry said about the matter. Recently, Ukraine foreign minister was in Delhi soliciting support from India. Behind that fakery lurks the real face of Ukraine government. Indian goddess Ma Kali has been caricatured on a propaganda poster. This is an assault on Hindu sentiments around the world. Amid the backlash and perhaps second thoughts, the tweet was later deleted. We will not broadcast the caricature for ethical purposes. Here is the original photo showing a plume of smoke billowing into the sky after the Ukrainian attack. The altered image depicted the Hindu goddess Kali, an entity of both power and destruction, rising out of the smoke. A furious online reaction quickly followed. दोस्तों माँ काली विनाश की देवी समझी जाती है। पश्चिमी देशों में भी इन्हें गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। यूक्रेन ने दो दिन पहले रशिया के एक बेहद महत्वपूर्ण ऑयल फील्ड पर हमला किया था, जिसमें रशिया का पूरा ऑयल फील्ड उड़ गया था और काले बादल का एक गुबार बन गया था। यूक्रेन ने उसे लेकर ही माँ काली का मीम बना दिया, जैसे माँ काली ने वह ऑयल फील्ड डिस्ट्रॉय किया हो और वहाँ जैसा कल्चर है वैसे डांस कर रही हो। फ्रॉक उठा के डांस करना वहाँ का कल्चर है, तो यूक्रेन के ट्विटर हैंडल को लगा होगा कि गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन भी रशिया के ऑयल फील्ड को तबाह करके डांस कर रही है। लेकिन वह मीम भारतीयों को गॉडेस काली का सेक्सुलाइजेशन लगा। भारत से मिली प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने घंटे भर में ही वो ट्वीट डिलीट कर दिया था और अब उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने भी माफ़ी मांग ली है। वो भारत को विश्व गुरु भी कहती है, हमें भी उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और इस मुद्दे को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। जय हिंद।